लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है और इससे पहले हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए अनुकूल परिस्थितियां दिख रही है। जी हां, अब बीजेपी को पूरा विश्वास है कि एनडीए 400 के पार इस लोकसभा चुनाव में कर लेगी, 400 से ज्यादा सीटें वो हासिल कर लेगी। तो वही एनडीए भले ही 400 सीट, तो वही बीजेपी को लेकर खुद पीएम मोदी ये उम्मीद जता रहे हैं कि 370 सीटें बीजेपी के खाते में जानी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य है जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो 400 पार का नारा बार बार पीएम मोदी जो दे रहे हैं, इसे लेकर अब विपक्ष भड़क चुका है। विपक्ष द्वारा निशाना साधते हुए कहा गया कि क्या ईवीएम अब सेट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो ईवीएम में गड़बड़ी का मामला भी लगातार सामने आता है और इसी ईवीएम को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि दावा कर रहे हैं कि 400 के पार एनडीए 400 के पार एनडीए लोकसभा चुनाव में सीट हासिल करेगी, इसे लेकर विपक्ष भड़कते हुए इस तरह ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उन सीटों पर जहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, पूरे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं दिख रही है। कौन से है वो राज्य, आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी बिसात पर बीजेपी के लिए सब कुछ अनुकूल होता नजर आ रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जबरदस्त सफलता के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान 2024 में बीजेपी को 370 सीटें मिलने और एनडीए के 400 पार सीटें जीतने का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने भले ही बजट सत्र में 400 पार का नारा दे दिया हो, लेकिन उसे चुनावी नतीजों में तब्दील करना आसान नहीं है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के 400 पार सीट की राह में कई राज्य अड़चन बने हुए हैं, जहां पर कमल खिलाए बिना पीएम मोदी का सपना साकार नहीं हो सकता। पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात कर रहे हैं तो बीजेपी उसके अनुरूप मेहनत और काम भी कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है और उसे जमीन पर उतारने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें भी की जा रही है। बीजेपी नेतृत्व बहुत ही सावधानी से चुनावी तैयारी कर रहा है और वह किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी की तुलना से ज्यादा सावधान, सचेत और साफ रणनीति के अनुरूप तैयारी में जुटा है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना है तो उस राह में बाधा बनने वाले राज्यों में राजनीतिक माहौल को अपने अनुरूप में ढालना होगा। पीएम मोदी का जादू उत्तर भारत में भले ही लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी फीका है। उत्तर भारत में पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ने अधिकतम सीटें अपने नाम पहले से ही कर रखी है, जबकि साउथ में कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी का कोई खास आधार नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के एनडीए के 400 पार की राह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा और पंजाब जैसे राज्य मुख्य बाधा बने हुए हैं। बिना इन राज्यों में कमल खिलाए लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। बीजेपी को इन राज्यों में कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों से भी मुकाबला करना होगा। दरअसल बीजेपी पहले देश की करीब 160 सीटों को अपने लिए कमजोर मानती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद अब उसकी कई गिनती 244 सीटों की है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और ओडिशा में कुल 177 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी 32 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा 63 सीटें अलग अलग राज्यों की है जहां पर मुस्लिम वोटर अहम रोल में है। 2019 में बीजेपी इन 63 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का टारगेट इन सीटों पर जीत के बिना पूरा नहीं हो सकता। बहरहाल देखा जाए, भले ही 400 पार का नारा देते नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं, देश के करीब 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के लिए अनुकूल परिस्थितियां दिखती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनके सामने खड़ी है कांग्रेस और वहां के जो राष्ट्रीय दल है वो। इनके सामने शायद बीजेपी ना टिक सके और अगर इन राज्यों में बीजेपी जीत हासिल नहीं करती है तो फिर बीजेपी जो कि टारगेट कर रही है 400 पार का, इस टारगेट को हासिल करना उसके लिए मुश्किल
मुश्किल साबित हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में जो टारगेट लेकर चल रही है बीजेपी, जो रणनीति बनाई है बीजेपी ने, वो कितना काम आती है, क्या वो उस टारगेट को पूरा कर पाती है या नहीं। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरें लाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।